हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वन पे। तो दोस्तों, आज मेरे नए यूट्यूब टीम मेंबर आपको सेल के बारे में कुछ डिटेल्स जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले जो भी नए मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेल। आज हम आपको सेल के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल की खोज किसने की? सन 1665 सन 1665 में मृत कोशिका की खोज की गई रॉबर्ट हुक द्वारा। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा मृत कोशिका खोज की गई। अब कहाँ की गई? बोतल के कार्क के एक पतली परत में उन्होंने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा तो उन्हें उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाए गए, मधुमक्खी जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। उन छिद्रों को उन्होंने नाम दिया सेल। तो अब मृत सेल की कोशिका मतलब मृत सेल की खोज तो हो गई। अब बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी। सन 1674 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम एंटोनवान लिवेनहाक। एंटोनवान लिवेनहाक ने सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका खोज की, वो भी कहाँ? स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा एक ग्रीन एल्गी है जो कि आमतौर पर तालाबों में देखा जा सकता है। अब सेल की खोज तो हो गई। अब सेल की थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी सन 1824 ईस्वी वैज्ञानिक का नाम ड्यूट्रो चिट। सन 1824 ईस्वी में ड्यूट्रो चिट नामक वैज्ञानिक ने अपना कोशावाद यानी सेल थ्योरी सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने सेल थ्योरी में प्लांट सेल और एनिमल सेल के मध्य लिंकेज यानी कि संबंध को बताया, और उन्होंने यह भी बताया कि सभी कोशिकाएं एक समान आकृति की नहीं होती, सभी सेलों की आकृति एवं आकार अलग अलग होते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि यह भौतिक इकाई होती है। इसे सेल को उन्होंने भौतिक इकाई बताया। और सन 1830 ईस्वी में स्लाइडन तथा स्वान ने अपने प्रयोगों द्वारा बताया कि सेल में एक जेल साल प्रकृति की द्रव्य पाई जाती है जिसमें जिससे जीवन संपन्न होता है। लेकिन यह उतना सिद्ध नहीं था। लेकिन इसके 9 साल बाद यानी सन 1839 ईस्वी में स्लाइडन तथा स्वान ने फिर से प्रयोग करके सन 1839 ईस्वी में अपने प्रयोगों को प्रस्तुत किया और यह बताया कि सभी जीवों की यानी पादपों एवं जंतुओं की शरीर जो बना होता है वो कोशिका द्वारा बना होता है और उनके जीवन की सभी रासायनिक एवं भौतिक क्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। इसे हम जीवन कहते हैं। 1858 वैज्ञानिक का नाम वीरको। इन्होंने सेल और टिश्यू का अध्ययन करके यह बताया कि सभी नए सेल अपने पूर्व सेल से निर्मित होते हैं, यानी कि पुराने सेल के टूटने पर दो नए सेलों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सेल और सबसे छोटे सेल के बारे में। कहते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल के बारे में। तो सबसे छोटी सेल का नाम है PPLO। PPLO का पूरा नाम है प्लूरो ट्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज। इसका पूरा नाम है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका एक दूसरा नाम भी है माइकोप्लाज्मा
गैलीसेप्टिकम। इसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन। अब बात करें सबसे बड़े सेल के बारे में, तो वह होता है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। इसकी लंबाई 170 mm होती है। कहीं कहीं यहाँ आपको 15 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बात करते हैं कोशिका की जेल साल प्रकृति के बारे में, तो उससे पहले हम आपको बता दें सेल का पीएच मान होता है सात। और इसकी जेल साल प्रकृति, जेल एंड साल जल में आप चीनी को बोलेंगे, तो चीनी के अणु जो चीनी होता है वो आयनिक अणुओं में टूट जाता है। और यदि इसी जल में आप डस्ट यानी धूल को, यदि मिट्टी को घोल दें, तो उसके कण पूरी तरह से नहीं घुल पाते। चीनी के घुल जाने के इसे समान मिश्रण कहते हैं और यह पारदर्शी होता है, और इसमें जो कण होते हैं उन्हें आयनिक कण कहते हैं, और इनमें ये कण पूरी तरह से नहीं घुल पाते और आप इन्हें नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। इन्हें हम निलंबन कण कहते हैं, निलंबन कण। अब बात करें कोलाइडी कण के बारे में, तो वे कण जो आयनिक कण से बड़े एवं निलंबन कण से छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलाइडी कण कहते हैं। तो अब सेल में आपको बताते हैं, सेल में जेल साल प्रकृति के साथ साथ उसमें कोलाइडी विलयन भी पाए जाते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण जिग जैग गति करते हैं, जिसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो अब बात करते हैं कोशिका के जेल साल प्रकृति के बारे में। कोशिका के न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब एक ही चीज के बने होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो जेल के समान होती है, इसलिए यह संरचना जेल जैसी होती है। और इसके चारों तरफ जो कण धीमी गति में गति करते हैं उन्हें हम सॉल कहते हैं। वो प्रकृति सॉल होती है, गाढ़ी होती है लेकिन जेल जितनी नहीं, हल्की भी होती है लेकिन कोलाइडी विलयन जितनी नहीं, मतलब न गाढ़ा न जेल जैसी संरचना, उसे हम सॉल कहते हैं। जेल को हम अर्ध ठोस भी कहते हैं। अब इनके बीच में गति कर रहे हैं आपके कोलाइडी विलयन के कण, कोलाइडी विलयन जैसी संरचना इसके इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जिनमें आपके राइबोसोम, लाइसोसोम और उसमें उपस्थित तरल और जल, ये सब आपके कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसमें कोलाइडी विलयन, सॉल और जेल, यही कोशिका की पूरी प्रकृति होती है। बात करें सेल के प्रकार के बारे में, तो सेल दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और इसके भाग क्या क्या होते हैं, ये सब हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोज अगर आपको देखना पसंद है या आपको ज़रूरी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट